तो हड्डारोड़ी ग्रामीणों के लिए बनी परेशानी। हड्डारोड़ी के चलते गांव में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गांव के खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन ने ग्राम पंचायत से स्वीकृति दरअसल नहीं ली थी। तनूपगढ़ के गांव चार पीजीएम में प्रशासन द्वारा बनाई गई हड्डारोड़ी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। आवारा कुत्तों का आतंक यहाँ बढ़ चुका है, जिसके चलते कई घटनाएं समस्याएं सामने आ रही हैं। हड्डारोड़ी स्कूल के नजदीक होने के चलते छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। खास बात ये कि प्रशासन ने ग्राम पंचायत से स्वीकृति लिए बिना ही ये हड्डारोड़ी स्वीकृत कर दी। समस्या हमारे यहाँ हड्डारोड़ी बन चुकी है और जिससे हम सबको प्रॉब्लम है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, वो सुबह 4 बजे स्पोर्ट्स की तैयारी के लिए सुबह जाते हैं, उनके पीछे कुत्ते दौड़ते हैं और काटने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में स्कूल के पास में हड्डारोड़ी बना दी गई है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और हमारे जैसे स्कूल के अन्य विद्यार्थी हैं जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सुबह सुबह हमें फिटनेस के लिए दौड़ वगैरह लगानी होती है, तो जब हम रोड पर निकलते हैं तो बहुत सारे हड्डारोड़ी से जो कुत्ते हैं इकट्ठे हुए हैं, वो यहाँ पर हमें परेशान करते हैं, वो हमारे पीछे लग जाते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। जो बदबू आ रही है उसकी वजह से तो सभी लोगों का जीना हराम हो चुका है। बदबू की वजह से अनेक बीमारियां फैल रही है, मक्खियों का घर बन चुका है हमारा गांव। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सरकार से कि हड्डारोड़ी को जो जगह है वो दूसरी जगह स्थापित कर दी जाए और हमें एक खेल स्टेडियम दिया जाए। स्कूल के पास में ना हड्डारोड़ी बन रही है, ठीक है, और 150-200 किलोमीटर 150 मीटर की दूरी पर हड्डारोड़ी है स्कूल के पास भी। और बच्चे आवागमन करते हैं ना तो रास्ते में उनको कुत्ते घेर लेते हैं और बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में आना जाना बंद कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसे 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 हालात रहे तो ये स्कूल बंद हो जाएगा। ये जो लैंड है नगर पालिका को अलॉट की गई थी साफ सफाई के जो कचरा है उसको डालने के लिए और हड्डारोड़ी के लिए, इस संबंध में कुछ ग्रामीणों ने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने एडीएम साहब को भेज के एक बार मौका निरीक्षण करवाएंगे कि मौके पे किस प्रकार की स्थिति है और क्या कर सकते हैं, उसके बाद आगे हमें डिसीजन लेंगे। तो जैसे कोर्ट से एक तारीख तक का स्टे है, उसके बाद प्रोसेस में क्या रहेगा? भाई एक बार एडीएम साहब को भेजते हैं, उनको इंस्पेक्शन करेंगे वो एक बार कि क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन करेंगे। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए कुलदीप गोयल जुड़ चुके हैं लाइव। कुलदीप, ये हड्डारोड़ी स्वीकृत कर दी बिना पंचायत से स्वीकृति लिए हुए, अब ये जो गैर जिम्मेदारी सामने आ रही है, इस पर क्या कह रहा है जिम्मेदार विभाग? देखिए, अनूपगढ़ के जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये जो जमीन है वो नगर पालिका को अलॉट की गई थी ताकि जो डंपिंग यार्ड है वो बनाया जा सके और हड्डारोड़ी बनाई जा सके। उधर जो उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि एडीएम को निर्देशित किया गया है कि इस जगह की मौका मुआयना करें और जो भी ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनकी रिपोर्ट वो कलेक्टर को सौंपे। लेकिन जो गांव के सरपंच है चार बीजीएम गांव के, उन्होंने ये कहा कि उनकी बिना स्वीकृति के ही इस जगह को हड्डारोड़ी और डंपिंग यार्ड के लिए स्वीकृत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है लेकिन प्रशासन ने कोई स्वीकृति नहीं ली। ऐसे में ग्रामीण है जो वो पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है और उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने इस जगह पर हड्डारोड़ी बनाई तो जो आंदोलन है वो उग्र किया जाएगा, तेज किया जाएगा। जी, प्रशासन क्या बोल रहा है इस लापरवाही पर? आखिर क्यों स्वीकृति दी गई है? क्या कोई दबाव था या गैर जिम्मेदारी से हम कहें, क्योंकि ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, शिक्षा प्रभावित हो रही है, खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर समस्याओं की बात करें सबसे पहले तो ग्रामीणों को तीन तरह की समस्याएं आ रही हैं। पहली समस्या सरकारी स्कूल के बच्चों की है क्योंकि जो ये हड्डारोड़ी बनी है वो लगभग 150-200 मीटर दूरी पर जो सरकारी स्कूल स्थित है, ऐसे में जो स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। दूसरा, इसी हड्डारोड़ी के पास में ही 150 मीटर दूरी पर एक सड़क है जहां पर जो गांव के खिलाड़ी हैं, जैसा कि हमने तस्वीरों में दिखाया, उनको उनकी जो बाइट्स हैं वो भी सुनवाई, तो उनका कहना है कि जब वो दौड़ लगाने के लिए सड़क पर निकलते हैं तब ऐसे में जो कुत्ते हैं उनके पीछे लग जाते हैं। और तीसरी तरह की समस्या वो गाँव के घरों की है क्योंकि जो हड्डारोड़ी के कुत्ते होते हैं वो मृत पशुओं का जो मांस है वो खाते हैं, तो ऐसे में वो खूंखार हो जाते हैं और वो धीरे धीरे गांव की ओर रुख भी करने लगे हैं। तो ऐसे में ग्रामीण तीन तरह की समस्याओं से घिर चुके हैं। वहीं कलेक्टर से बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ग्रामीणों के ज्ञापन के बाद में उनको इस समस्या का पता चला है, ऐसे में वे एडीएम को भेजकर जो वस्तु स्थिति है उससे वाकिफ होंगे और उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। हम यहाँ पे ये भी बता दें
कि ग्रामीणों ने इसके लिए एक स्टे भी लिया था, क्योंकि आज से कुछ समय पहले यह हड्डा रोड़ी शुरू कर दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने स्टे ले लिया। स्टे की अवधि है वो 1 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, और ग्रामीणों का यही कहना है कि 1 अक्टूबर को जब स्टे की अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में यदि प्रशासन ने इस जगह पर हड्डा रोड़ी का जो काम है वो चालू करवाया तो एक बड़ा आंदोलन है वो किया जाएगा। जी